सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो बहनों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि एक ज़िले में जो आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति है, उसकी समीक्षात्मक बैठक डीएम महोदय के द्वारा किया गया, और दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सैम मैम की स्थिति को देखते हुए जाँच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ कई सारी योजनाएँ पर भी बात की गई, जैसे टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं जो चल रही हैं, उसकी समीक्षात्मक बैठक डीएम महोदय के द्वारा किया गया और बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको उस खबर की ओर लेकर चलता हूं। उससे पहले आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, बैठक ICDS विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच करने को लेकर निर्देश दिए हैं। यहाँ पे बड़ा सा शीर्षक देख पाएंगे, लिखा गया है, आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका लगाना जरूरी, किराए के भवन में भी लगेगी वाटिका। जैसे कि अब किराए के भवन में भी पोषण वाटिका लगाने को लेकर बात कही गई है। जैसे कि सोमवार को डीएम यशपाल मीना ने अपने कार्यालय कक्ष में ICDS विभाग की समीक्षा की। इस दौरान इन्होंने बारी बारी से ICDS द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, पोषण वाटिका, सैम और मैम बच्चों की स्थिति, वृद्धि निगरानी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, टीकाकरण, आधार सत्यापन की जानकारी ली और कई निर्देश दिए। वहीं DPO ICDS डॉक्टर ललिता ने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति के विषय में बताया कि जिला में कुल 3883 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें कि 565 का अपना भवन है। इसके अतिरिक्त 302 केंद्रों का निकट के स्कूल, पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन में तय किया गया है, और वहीं अभी 3016 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं। तो डीएम महोदय ने पूछा कि इसका कारण क्या है कि जो किराए के भवन में इतने सारे अभी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। तो DPO के द्वारा बताया गया कि 1292 केंद्र के लिए जो जमीन है वो चिन्हित की गई है, और इसमें 323 का अनापत्ति प्रमाण पत्र CO से प्राप्त हो गया है। इस पर DM के द्वारा निर्देश दिया गया कि चिन्हित किए गए सभी जगह की खेसरा खतियान के आधार पर भौतिक रूप से जांच स्वयं से DPO करे और संबंधित CO से मिलकर शीघ्र NOC प्राप्त करे। तो इस प्रकार से DPO को भी निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर जो किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, वहाँ का जो स्थिति है उसको जांच करके उसको बताया जाए। जैसे कि ये जो आप लोग खबर देख रहे हैं वो हाजीपुर वैशाली की खबर है। यहाँ पर जो राजापाकर और पातेपुर प्रखंड है, यहाँ पर जो सैम मैम की स्थिति है उसको लेकर यहाँ पे क्या बातें कही गई है। अति कुपोषित एवं कुपोषित बच्चों, जैसे कि सैम मैम की संख्या के बारे में DM ने समीक्षा किया। इस दौरान बताया गया कि जिला में 3.1% सैम और 4.2% मैम बच्चे हैं। सबसे अधिक बच्चे राजापाकर में, यहाँ पे 1448 बच्चे सैम हैं, तथा सबसे अधिक मैम बच्चे जो है पातेपुर प्रखंड में 1246 बच्चे मैम की कंडीशन में है। इस पर DM ने कहा कि इन बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए और इन्हें अलग से विटामिन युक्त भोजन दिया जाए, ताकि ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ सके। DM ने कहा कि इन बच्चों के ग्रोथ का नियमित रूप से अनुसरण किया जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर लगाए जाने के बारे में पूछने पर बताया गया कि सभी 3883 आंगनबाड़ी केंद्र पर इसे स्थापित कर दिया गया है, यानी कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे पोषण ट्रैकर पे काम किया जा रहा है। लेकिन जो सैम में बच्चे हैं उन पर विशेषकर ध्यान दिया जाए और इनको अलग से जो विटामिन युक्त भोजन है वो दिया जाए, ताकि जो भी सैम में बच्चे हैं वो सामान्य की श्रेणी में आ जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बात कही है, और यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि DM महोदय के कार्यालय में CDPO DPO सभी लोग मौजूद हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की जा रही है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।